आ रहे हैं डॉक्टर साहब। हमारी रक्षा कर रहे थे आप, लेकिन हमने ही अपनी जिद में आके जैसे शादी कर ली। आपने भाई होने का पूरा फर्ज निभाया, हमसे ही कहीं ना कहीं चूक हो गई भाई। ये लीजिए आपकी फेवरेट बंगाली मिठाई। क्या हुआ, ठीक है आप? जी भाई, हम बिल्कुल ठीक है। हमें क्या होगा, हम बहुत खुश भी हैं। चलो गुड। आपने अपनी विश तो बताई नहीं, तो रानी की पसंद से आपके लिए गिफ्ट ले आया मैं। वो चाहती थी कि राखी पर आपको हम ये दें। वाओ भाई, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। वैसे आपने हमसे एक और प्रॉमिस किया था, आपने कहा था कि राखी के दिन भाभी साहब हमारे साथ होंगे, कहाँ है वो? नंदिनी, एक्चुअली वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में बिजी है, इसलिए नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, पर हमारी तरफ से उनको थैंक यू बोल दीजिएगा। Sure. क्योंकि हमें बहुत पसंद है। अगर आप दोनों का हो गया हो तो मैं भी राखी बनवा लूं, मेरी भी बहन है वो। आइए। अरे आप क्यों खड़े हो? अरे ये थैंक यू। शुरू किया जाए। गई वो, चलो तो ढूंढते। बहुत अच्छी लग रही। विक्रम, हमारा गिफ्ट। गिफ्ट चाहिए? आंखें बंद कर। अरे कर तो सही, सरप्राइज है ना। बंद कर। ब्रेसलेट। चल मेरा गिफ्ट निकाल। अरे अच्छा, सॉरी सॉरी, रुक। ये तेरे लिए। अच्छा लगा? हाँ, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। क्या हुआ नंदिनी, एकदम से उदास क्यों हो गए? पापा को मिस कर रहे हैं ना आप? हम सब कर रहे हैं नंदिनी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात हुई है उनसे, वो दिल्ली से बहुत जल्दी लौट आएंगे। और आपके लिए उन्होंने गिफ्ट भी भेजा है। एक सेकंड।
ये देखिए। ये अब तक का बेस्ट गिफ्ट है भाई। हाँ हाँ बड़ी आई पापा की चमची। सुबह से रानी का एक मैसेज भी नहीं आया। आज राखी के दिन पिंकू से मिलने भी नहीं आए वो। कुछ तो गलत हो रहा है। मैं अभी आया। फोन भी नहीं उठा रही है और ऊपर से वो सपना। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसे पता करो। अरे आइए आप। क्या हुआ? इधर बैठिए, बैठिए इधर। रानी तीन तीन अटैक हो चुके हैं आप पर, फिर भी आप नहीं मान रही बात को। अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोचिए। बहुत परेशान हो जाता हूं मैं रानी। अच्छा इतना प्यार करते हैं आप हमसे? नहीं। का? मेरा पहला और आखिरी प्यार है आप। परंतु आप तो हमारा दूसरा प्यार है। क्या? हाँ हमारा पहला प्यार आज भी समोसा है और हमेशा रहेगा। रानी प्लीज मान जाइए ना। डॉक्टर साहब हम समझ सकते हैं कि आपको हमारी फिक्र है, तो इसीलिए हम ना आज से एक टू कोड रखेंगे। कोड? कैसा कोड? वो फोन में कैसे पासवर्ड होता है ना, वैसा ही। आप हमसे जब भी पूछेंगे कि रानी आपका पहला प्यार कौन है, तो हम कहेंगे समोसा। और जो हम ना बताए तो समझ जाइएगा कि वो हम ना ही कोई और है। आपका पहला प्यार कौन है? आई होप मैं गलत हूं रानी। आई होप आप सेफ हैं। आपका पहला प्यार कौन है, ये क्या सवाल हुआ? गॉड, इस रानी के चक्कर में हमारा बेटा पागल हो गया है। अब इसे तसल्ली देने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या करना होगा। आपका पहला प्यार कौन है? वाओ, ओके, आप हमारा पहला आखिरी और इकलौता प्यार है। ये कोड नहीं है। अरे जरूर किसी मुसीबत में है। हेलो हुकुम साहब, लड़की दरवाजा तोड़कर भाग गई है और तुम लोग वहां चक मार रहे थे। अरे पकड़ो उसे, रोको, अगर वो घर पहुंच गई ना तो सब मरेंगे। हे चलो उधर। ले जा, कहां है हुकुम साहब? वो मंदिर की तरफ भागे हैं। जैसे आता जी, रघु और जग्गू को लेकर इस तरफ जाओ, हम यहां देखते हैं। ले जाओ, कम विद मी, चलो। फोन काट दिया। आ जाओ।
समदन जी, अरे समदन जी, अरे काहे ऐसे मुंह सुझाए बैठी हैं? एक छो बढ़िया अदरक वाली चाय बना के लाए आपके लिए। जी शुक्रिया, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। ठीक तो आप नहीं हैं, किंतु आपकी जो समस्या है ना, उसका इलाज है हमारे पास। आपको कैसे पता कि हमारी क्या समस्या है? देखिए दिक्कत अनेक, किंतु इलाज सिर्फ एक का है। इसको गर्म पानी में 2 चुटकी डाल के ले लीजिए, आपका मन और पेट दोनों हल्का हो जाएगा। थैंक यू, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही कभी पड़ेगी। अरे अरे समदन जी, अरे ले लो, इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे ये तो सार्वभौमिक समस्या है। समदन जी, ए समदन जी, देखिए भलाई का जमाना ही नहीं रह गया, लगता गैस ना समदन जी का दिमाग में चढ़ गया। बार बार फोन क्यों कर रहा है? तेजू। जी सर। वहां जाके देखो। ठीक है। बहन, जरा आपका फोन मिलेगा का? जरूरी है, अब हमारा बैटरी डाउन हो गया है ना, इसीलिए। हाँ, जी। बस एक मिनट में। जी। सर जी, मंदिर है, जूते तो बाहर उतार दीजिए। Damn it! फोन उठाइए रानी, प्लीज उठाइए फोन। डॉक्टर साहब का फोन भी जी का आ रहा है। बहुत शोर है, बहुत, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। हेलो रानी, हेलो डॉक्टर साहब, हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं। क्या गुंडे? गुंडे वो गलता गेट के पास जो मंदिर है ना, वहाँ है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हेलो रानी, हेलो हेलो रानी, हेलो हेलो, फोन कट गया, गुंडे पे फोन नहीं लगा। रानी के पीछे गुंडे पड़े, रानी किसी खतरे में जरूर है। एड्रेस क्या कहा था उन्हें? कलटा गेट के पास वाला मंदिर। ओके। ये मुसीबत कहां चली गई?
बोलो जय सिंह, क्या हुआ? हर जगह छान मारा ताऊ जी, रानी का कोई पता नहीं चला। हाँ, छान मारा तुम लोगों ने, चलो जाके वहां से देखो, पीछे देखो, चलो आउट। उस तरफ भी लड़की नहीं है। अच्छा, चलो मेरे साथ। नहीं चाहिए तुम्हारे मुंह से, गुड शूट यू, रस्सी लेके आओ। और तुम लोग क्या खड़े हो? एक शब्द नहीं निकालना अपने मुंह से, ओके? इसके हाथ पैर और मुंह सब बांध दो। नॉट अ सिंगल वर्ड, ओके? डालो मुंह में। और तुम लोग फटाफट ये दीवार कंप्लीट करो, फटाफट। Immediately! Rani, 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 Rani. सिर्फ नाम की ही नहीं, तुम किस्मत की भी रानी हो। इतने ऊंचाई से गिरी तुम, कितने टॉर्चर किए गए तुम पर, कितने हमले करवाए हमने तुम पर। उसके बाद भी देख लो, सामने खड़ी है मेरे, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी। और एक हमारी किस्मत देखो, वीर के साथ प्यार का ढोंग किया हमने, नाटक किया उसके साथ, बेटा 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 कहकर उसके आगे पीछे घूमते रहे ताकि हम मकसद में कामयाब हो जाएं। और हम हो भी गए थे कामयाब, फिर हमारी बातों में आ भी गया था कि तुम, डैम इट, तुम रानी, तुम बीच में आ गई। तुमने ऐसा नहीं होने दिया। बहुत जिद्दी हो तुम रानी, लेकिन ये समझ लो कि हम भी कम जिद्दी नहीं है। तो दोनों में से जीत तो किसी एक की होगी ना? करेक्ट। रंग विजय हारने वालों में से नहीं है रानी। वीर, I can explain। हाँ बेटे, हमारी हमारी मजबूरी थी, वरना रानी तो हमारी बेटी। Shut up! एक शब्द नहीं सुनना चाहता आपके मुंह से मैं। Quiet! अरे quiet! 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 या बंद, गोली मत चला। Quiet! गोली मत चला। Shut up! Okay, या। Shut up! या। Yes, या। कुछ नहीं बोलूँगा। या। बबुआ, कहाँ खसक रहे हो बे?
हाँ? क्या है ये? कहाँ से मिली है? इनको कुछ पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ मिली है? अरे कहाँ हुआ आप, चिल्ला कह रहे हैं? ये देख नहीं रहे आप, ये लेके घूम रहा था ये। कुछ जवाब दो, कहाँ मिली है और क्या करने जा रहे थे तुम? अरे घर का लड़का ऐसा, ये कहा है रे? अब चोरी करने लगे हो तुम? अरे गुंडे ही करो बका, तेरा मन कर रहा है कान कर। मजबूरी है मौसा जी। मजबूर? हमें हमारी बहन को बचाना है। का हुआ रानी को? बहुत बड़ी मुसीबत में है वो। का हुआ रानी को? मुसीबत? क्या बात है मिंकू, कुछ साफ साफ बताओ क्या बात है। छोटे कुंवर सा, तो बात ये है कि भैया वो गाड़ी का पीछा कीजिए जल्दी। हम जानते थे रानी कि तुम जहां कहीं भी छुपी होगी अपने वीर से मिलने के लिए बिल से जरूर बाहर निकलोगे। रुकिए, रुक जाइए। स्टॉप। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ चलेंगी। बाहर आइए पिंकू, ये अपना मुंह नहीं खोलेगा, किसी से कुछ नहीं कहेगा। हरिओम। विक्रम, वीर को फोन करो अभी इसी वक्त, पूछो कहाँ है वो। हेलो तेवर जी, हम बोल रहे हैं। अरे भाभी साहब कहाँ हैं आप दोनों? पिंकू ने हमें सब बता दिया है। तेवर जी हम बिल्कुल ठीक है, कहे कि सही टाइम पर आकर डॉक्टर साहब ने हमें बचा लिया। हम जल्द से जल्द पाऊजी को भी बचा कर घर ले आएंगे। बस आपकी एक तो मदद चाहिए देवर जी। जी क्या हुआ, मिली सर? नहीं नहीं मिली। अबे तो ढूंढ लो ना यार। हेलो कौन? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है हुकुम साहब। सुधारनी तो होगी। क्या हुआ? दिग्विजय भाग गया। तुम यहाँ जल्दी आओ वरना। भाग गया? कब? हमारा मतलब कैसे? हेलो हेलो अरे यार ये हो क्या रहा है? कहाँ गए सब लोग? हुकुम सा आप यहाँ? अबे ढक्कन, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। कहाँ भागा वो और कैसे? पर कौन हुकुम सा? अबे वही जिसकी ड्यूटी पर तुम्हें यहाँ खड़ा किया था, दिग्विजय। और कौन? वो तो अंदर है। अंदर है? तो फिर हमें फोन किसने? यहाँ तो पूरा फौज जमा हो रखा है, इनसे बचकर अंदर कैसे जाएंगे हम? हुकुम सा अब क्या करें, बाहर पुलिस आ गई। अबे भागो, भागो। हो सकता है गाड़ी में जिसने उन्हें बचाया है? चंदा है तू मेरा सूरज है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आंखों का तारा है तू। Yeah.
सो जा मेरे राजकुमार, सो जा मेरे राजकुमार, सो जा मेरे। मैडम जी, वो रणविजय, रणविजय आजा मेरे राजकुमार, सो जा। जिंदगी भर के लिए सो जाओगे। कहा था तुमको, तुमसे तो उतना भी नहीं हो पाया। गलती हो गई हमसे, हम वहां तक पहुंच गए थे कि वो लड़की। देखिए आप हमारी बात सुनिए, हमें एक मौका दीजिए, हमें एक मौका और दीजिए प्लीज। किसी के कंधे पे बैठ के जीत की तरफ तो जाया जा सकता है, पर उसे पाने के लिए आखिरी कुछ कदम खुद ही चलना पड़ता है। हमें कोई नहीं बचा सकता, प्लीज तुम जाओ।